अच्छा, जो अब हमने लास्ट जहाँ से हमारी वीडियो स्टॉप हुई थी वहाँ से जो मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मैं डेटा इंसर्ट करवा रहा था टेबल के अंदर रिजल्ट के, तो यहाँ पर जो है वो हमारे वन रो इंसर्ट हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो रिजल्ट आईडी 0 आई है, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगा हुआ स्टेबल के अंदर। हम देख लेते हैं कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर, लिहाजा अगर 0 आया तो गलत आया, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो ये एक प्रॉब्लम आई है। ऑटो इंक्रीमेंट हम लगा देंगे तो अब ये सही हो जाएगा। सॉरी, सेव कर दिया मैंने इसे, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट लग गया, अब 1 आएगा, सही है। दोबारा से मैं डाटा को जो है वो इंसर्ट करवाता हूँ, ठीक है। अब देखें सही भी हो गया ऑटोमेटिकली, उसको ऑटो इंक्रीमेंट लगाने से 0 की जगह जो है वो 1 हो गया, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ तक जो है वो हमारे दोनों टेबल के अंदर जो है वो डाटा इंसर्ट हो चुका है सही तरीके से, ठीक है। अब रिमूव करने का जो है तरीका, अब अपडेट के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ वाले जो मेरे पास कॉलम है उस पर डबल क्लिक करूँगा। फर्स्ट कर ले, मेरे पास वो आईडी है नहीं, स्टूडेंट आईडी 3 मैंने डाल, और 3 डालकर जो है मैं इसमें डालूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि अब ये बैलेंस कर रहा है डाटा को कि दूसरे टेबल के अंदर स्टूडेंट की आईडी 3 तो एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा आप जो है वो अपनी मर्जी से यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते। आप सिर्फ उनमें चेंजेस कर सकते हैं जहाँ पर हमारी आईडी पहले से एग्जिस्ट करती है। 4 थी तो 4 है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको दोबारा से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। 4 थी तो 4 सही आईडी है, और 4 की वजह से जो है एरर चला गया। अब मैं चेंजेस किस पे कर सकता हूँ, मैं जो फॉरेन कीज हैं उन पर नहीं कर सकता, प्राइमरी की पे तो कर ही नहीं सकता। लिहाजा जो मेरे पास दूसरे कॉलम हैं जो मैंने वर्षा रखे हैं इनके ऊपर आकर जो मैं अपडेट कर सकता हूँ। फर्स्ट करने है स्टूडेंट जो है वो एबसेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब वो रो इफेक्टेड हो गए, जो हमने कैस्केड लगाया था कैस्केड जो है वो इधर अप्लाई हो गया, ठीक है। और जो हमारे पास फॉरेन की होती है, फॉरेन की के ऊपर जो है वो डाटा कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और जो डाटा एग्जिस्ट करता है सिर्फ उसको चेंज करवा सकता है, इसके अलावा जो नहीं होगा तो ऑब्वियसली सी बात है वो एरर दे देगा। तो ये हमारे पास जो है वो अपडेट हो गया। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट के अंदर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ स्टूडेंट पर, और स्टूडेंट को मैं डिलीट करता हूँ, तो यहाँ से वो डिलीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है वो भी डाटा यहाँ से रिमूव हो गया। अब रिजल्ट पर भी मैं देख लेता हूँ, रिजल्ट पे भी मेरे पास वो डाटा क्या हो गया, रिमूव हो गया। स्टाफ को देख लेते हैं, स्टाफ एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से स्टाफ के डाटा को अगर रिमूव कर दूंगा तो फिर यहाँ से भी रिमूव होते हैं। अब यहाँ सब जगह से जो है वो रिमूव हो गया, और इस तरीके से जो है वो हमारा डाटा जो है वो तमाम जगह से जो है वो बैलेंस रहता है। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर मैंने आपको जो है वो डिटेल के अंदर काफ़ी समझाया है कि किस तरीके से जो है वो हमारे रिलेशंस बनते हैं, और किस तरीके से जो है वो डाटा मैंने इसके अंदर मैनिपुलेट किया और डिलीट किया, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा नॉर्मलाइजेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब लिहाजा हमारे पास जो अगले चैप्टर्स हैं उनके अंदर फंक्शंस आ रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डाटा को इंसर्ट मैंने किया था और दोबारा से रिमूव कर दिया, फिर दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ब्लंडर हो गया, रिमूव नहीं करना था, हम एक से ज़्यादा डाटा को इंसर्ट कर लेते हैं तो फिर हमें आसानी रहेगी, क्योंकि मुझे आपको पूरा स्ट्रक्चर भी बताना था, एरर्स भी बताने थे, इस वजह से जो है वो मैंने मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। अब ट्रंकेट कर लें, क्या ख्याल है? और ट्रंकेट टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हमारे पास टाइम कम है, लिहाजा मैं 5 से ही कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। जब आप फ्रेश तमाम एरर्स को जब चेक कर लेते हैं तो रिलेशन एक मरतबा ब्रेक करके जो है जब आपको ज़रूरत नहीं होती कॉलम एड करवाने की और हर चीज़ आपकी जो है वो सही तरीके से परफॉर्म हो रही होती है, तो फिर आप जो है उसको ट्रंकेट एक मरतबा करवा देते हैं और फिर आपका प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो सही तरीके से तमाम चीज़ें परफॉर्म होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम ले लेते हैं हम दोबारा से अली, और ईमेल ले लेते हैं ये, ठीक है।
और एक और हम ऐड करवा लेते हैं असद, ताकि जो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन के अंदर हम एवरेज अकाउंट निकालें वो सही तरीके से परफॉर्म हो सके। और एग्रीगेट फंक्शन जो आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अब मैं इस पर गो कर दूँ या इस पर गो कर दूँ, दोनों डाटा जब इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है, दो रॉ इंसर्ट हो चुके हैं, ब्राउज कर लेते हैं, स्टूडेंट भी हमारे पास इंसर्ट हो गया। और अब हमें जो है स्टाफ इंसर्ट करना है, स्टाफ के अंदर भी हम दो पीपल्स को इंसर्ट करवा लेते हैं, स्टाफ नेम बैन और डेजिग्नेशन जी पूछे असल में जी पूछे रेज योर हैंड, क्या कह रहे हैं आप, ठीक है वो लग चुकी है सही है। अच्छा स्टाफ टाइमिंग है 9 to 5 और इस तरीके से है जैन, तो जैन के बाद जो हम दे देते हैं मतीन, ठीक है, और इनको भी हम अभी एस आर ओ के अंदर उठा कर डाल दें 9 to 5, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं। इसी तरीके से जो है वो हम अटेंडेंस पर भी इंसर्ट करवा दे। अब हमारे पास जो है वो एक स्टूडेंट है और फर्ज कर लें मतीन साहब ने जो इनकी स्टाफ आईडी है इनकी टाइमिंग के अंदर है, इनके स्लॉट के अंदर है, और आज की डेट जो है वो हम डाल देते हैं क्योंकि हमने डेट का फंक्शन यूज़ नहीं किया और वर्चुअल हमने रखे तो हम अपने मर्जी से डैश डालना चाहें स्लैश लगाना चाहें तो हम आसानी से लगा सकते हैं। 20 तारीख है और डैश तीसरा महीना है और 2020, ठीक है, 20 लिख दिया हमने स्टेटस है प्रेजेंट एक्टिव। और इसी तरीके से जो हमारे पास स्टेटस स्टूडेंट है असर और फर्स्ट करने जैन की मार्क कर दी अटेंडेंस, रेट डाल दी, स्टेटस जो है वो है एब्सेंट, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर भी इंसर्ट हो गया। और अब हम रिजल्ट पर भी जो है वो दोनों स्टूडेंट के रिजल्ट को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो है अली और अली का रिजल्ट है फेल, अली फेल हो गया, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इनका स्टेटस है एक्टिव। और असद जो है वो जो एब्सेंट है वो इम्तहान में अचानक पास हो गए, तुक्का लग गया उनका एम सी क्यूज में, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्टिव ए सी टी आई, ठीक है। अब हम जो है वो एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करेंगे, सही है, अब हमने जो है वो एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालने के लिए हमारे पास सारी आई डी आ रही है, तो फीस का एक टेबल भी बना दिया जाए और उसको भी अटैच कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर एवरेज वहाँ बिल्कुल सही निकलेगा। अच्छा फीस अंडर या फी अंडर स्कोर आई डी, ठीक है, और टेबल होगा फी के नाम से, सही, और बाय डिफॉल्ट जो उसकी लिमिट होती है वो 11 होती है, ऑटो इंक्रीमेंट हम लगाएंगे प्राइमरी की, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है वो स्टूडेंट आई डी STU_ID, ठीक है, और स्टूडेंट आई डी भी यहाँ पर क्या होगी फॉरन की, फीस किसके पे हो रही है STU है। अच्छा जहाँ मैं गलती करूँ तो मुझे जो है वो बता दीजिएगा कि गलती जो है वो चलती जाए तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अच्छा अब फीस आई डी आ गई और मंथ कौन सा, ठीक है, यहाँ पर हम रख देते हैं वर्षा, ठीक है, और वर्षा में मैं रखता हूँ 60, तो 60 रख देते हैं। मंथ कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जो भी मंथ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और फी का स्टेटस क्या है, फी अंडरस्कोर स्टेटस पेड है या अनपेड है, बाय डिफॉल्ट क्या होगी अनपेड होगी STATUS। अच्छा वर्षा मैंने रखा और यहाँ इसकी लिमिट मैंने रखी 60, और 60 रखने के बाद अब मैं इसके अंदर एस डिफाइन पर जैसे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि भाई बाय डिफॉल्ट तो होते हैं सारे अनपेड, ठीक है,
और जब वो फीस पेड कर देते हैं तो एडमिन पैनल से जो उनका स्टेटस क्या हो जाता है, पेड हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे एक और कॉलम इसके अंदर ऐड करवाना है, तो कॉलम ऐड करवाने का तरीका ये है कि ऊपर मुझे दिया हुआ होता है ऐड वन कॉलम, मैं इस पर गो कर दूंगा ऑटोमेटिकली जब एक कॉलम आ जाएगा नीचे, और ये मेरा जो होगा वो स्टेटस होगा टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। तो मैं इसको स्टेटस कर देता हूँ STATUS। अच्छा, हम देख लेते हैं कि दूसरे टेबल्स में हमने लास्ट कॉलम को जो क्या रखा है, स्टाफ अंडरस्कोर स्टेटस टेबल के नाम से ही हमने रखा है। और इसी तरीके से जो है वो मैं इधर देख लेता हूँ, इधर भी देख लेता हूँ, जहाँ मैंने डबल रखे थे स्टेटस वहाँ हमने क्या रखा है, उसी हिसाब से हम रख देते हैं। अच्छा, इसमें मैंने टेबल को ऐड अप कर दिया, अटेंडेंस स्टूडेंट किसकी लग रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब यहाँ पर जो है वो मैं फी अंडरस्कोर स्टूडेंट कर देता हूँ, जैसा हमने वहाँ पर रखा है, रखे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये कि एक बेहतर लगेगा स्ट्रक्चर अगर हम इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने प्रोजेक्ट जो होता है वो सॉफ्टवेयर हाउस में अगर अपने मैनेजर को देते हैं, तो तमाम इन नाम्स को जब अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं कि आपने नाम जो है क्या क्या रखे हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखने होता है कि सारी सीक्वेंस अगर अच्छी हो तो काम बेहतर दिखाई देता है। 60 बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी मैं रखूँगा, वहाँ रखना मैं भूल गया था एक्टिव, इसको क्योंकि इसका स्टेटस जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है एक्टिव, और क्योंकि जब फीस पेड हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, तो उसका स्टेटस जो है कुछ शो नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो उसका स्टेटस क्या होगा, आ रहा होगा कि स्टूडेंट ने जो है वो उस मंथ की फीस पे नहीं करी। अब जब प्रेजेंट डेट चल रही है तो उसके हिसाब से जो है वो फिर हम उसको देखते हैं और उसके स्टेटस को फिर हम मार्क कर देते हैं। ऑब्वियस तरीके से जो है उसका स्टेटस अगर हम एक्टिव रखना चाहें रिकॉर्ड दिखाने के लिए तो एक्टिव, और डिसेबल रखना चाहें तो फिर हम उसको डिसेबल करके शो नहीं कराते, फिर हमारे पास डेटाबेस के ऊपर से जो सर्चिंग का लोड होता है वो कम हो जाता है। तो सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट कॉलम है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं इसको सेव करवा दूँगा और तमाम चीज़ें ओके हैं, सही है, और मैं इसको जो है वो सेव कर दूँगा। अच्छा, एक चीज़ और रह गई कि मंथ तो हमने बता दिया और उसका स्टेटस हम बताएंगे पेड अनपेड एक्टिव है, लेकिन फीस कितनी होगी, फीस ही हम इसके अंदर कैसे ऐड करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं कोई चीज़ खोल गया तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि भाई स्टूडेंट आईडी के पास जो है वो मंथ के बाद आ जाए फीस टोटल उसको कितनी पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर मैं क्या कर दूँगा, ठीक है, इसको मैंने रख दिया अलग और इसको मैंने कर दिया इससे। अब मैं स्ट्रक्चर पे दोबारा क्लिक करता हूँ, उसको स्ट्रक्चर पे देखता हूँ तो मेरे पास एक और नंबर मुझे चाहिए होगा तो वो मैंने ऐड करवा दिया। अच्छा, अब इसके अंदर मसला क्या होगा कि हम क्यूरी के दौरान जो है वो खास कर रखेंगे, बल्कि मैं उसको अगर वर्चा कर दूँ तो मैं सिर्फ इधर जो है वो नंबर लिखूँगा, नल लिखूँगा, और यहाँ पर जो है फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ सिंगल कोट लगा दूँगा। अगर मैं नंबर में फी लिखना चाहूँ तो नंबर में भी लिख सकता हूँ, फर्ज कर लें जैसे 5000 है तो FIV5THUSANDV कर सकता हूँ, और या तो फिर सिंपल नंबर भी लिख सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको चेंज करवा देता हूँ, और अच्छा ये मैं जानबूझ के इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको चेंजेस करना भी आ जाए, ठीक है, और चेंजेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम इसको सही भी कर दें, वर्चा रन कर देंगे इसको, और वर्चा के अंदर जो फिर हम इसकी लेंथ 60 रखेंगे। तो यहाँ पर जो वो हम ऑल्टर भी कर रहे हैं टेबल को साथ साथ, हमारा टेबल जो है वो ऑल्टर भी हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें रिलेशन बनाना है अगेन वही, तो यहाँ पर जो है मैं स्ट्रक्चर पर मैं क्लिक करता हूँ दोबारा से, और स्ट्रक्चर पर ही अनफॉर्चुनेट यहाँ पर जो है मुझे स्टूडेंट आईडी के साथ इसको लिंक करवाना है, और डेटाबेस मेरा टेक, और यहाँ पर जो है वो मेरे पास टेबल कौन सा है स्टूडेंट का, और स्टूडेंट आईडी यहाँ से, और कैस्केड के ऊपर जो है वो हम अप्लाई करवा देंगे ताकि हम डिलीट करें तो सब जगह से डिलीट हो जाए, अपडेट करें तो सब जगह से अपडेट हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रिलेशन अब इसका क्रिएट हो चुका है। हम एक मरतबा मेक श्योर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पर डिजाइनर में जाके, हमारे पास जो अगला फिगर बना है वो भी आ गया और बिल्कुल सही बन गया रिलेशन, ठीक है।
अब यहाँ पर जो मैं फी में जाता हूँ, सही है, और फी के अंदर जो है वो इंसर्ट करता हूँ। अब स्टूडेंट हैं अली और उनकी जो मंथ की फी है वो मार्च है, एम ए आर सी एच मार्च, और फर्स्ट करने इनकी जो है वो है 5000, और इनका स्टेटस है पेड, इन्होंने पेड कर दी, फेल हो गए लेकिन पेड कर दी थी पहले, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो असद है, असद गलती से पास हो गए लेकिन वो पेड नहीं करते, वो अनपेड रखते हैं, एपटेक में तो पेड लाजमी होगी, अनपेड नहीं होगी। 5000 मंथ हमारा आएगा मार्च, एम ए आर सी एच मार्च 5000, और इसको मैंने कर दी पेड। एग्जाम कैसे देंगे अपन, मसला हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जब हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो गया, ठीक है, और अब इसके ऊपर जो है हमारा नंबर आ गया, तो नंबर पर अब हम एवरेज लगा सकते हैं। अब फर्स्ट कर लें, एडमिन पैनल हम बना रहे हैं और एडमिन पैनल में जो है वो हमें तमाम फीस का एवरेज चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारे पास क्वेरी है एग्रीगेट फंक्शन की, पहले के भाई सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल हैविंग, और इस तरीके से जो है मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ताकि गलती नहीं हो क्वेरी लिखते वक्त हमसे। तो यहाँ पर जो है मैं कमेंट भी करता जाऊँगा और क्वेरी को परफॉर्म भी करवाता जाऊँगा, सही है। तो हमारे पास जो कमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, और एसक्यूएल के अंदर जो दूसरा कमेंट होता है मल्टी लाइन होता है, सिंगल लाइन अगर कमेंट चाहिए तो हमारे पास होता ही है, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट ये होता है हमारे पास एसक्यूएल के अंदर। अब यहाँ पर जो है मैं फी के कॉलम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो फी है, फी का कॉलम यहाँ पर आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पर क्वेरी करता हूँ एस सी एल सी फी सेलेक्ट कॉलम कौन सा है भाई फी, और इसको लिखने का अच्छा तरीका ये कि एग्जीक्यूटेबल हम लगा देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे फी फ्रॉम कौन सा टेबल है फी का, सेलेक्ट फी फ्रॉम टेबल, टेबल नेम है फी, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, अच्छा हैविंग और एवरेज ए वी जी और हमारे पास कॉलम है फी का, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है यहाँ पर हम इसको बता देंगे क्योंकि कॉलम नेम भी सेम है और टेबल नेम भी सेम है हमारे पास, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई एपटेक डेटाबेस है ए पी टी ई सी एच, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई यहाँ पर मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टेबल है, टेबल और कॉलम में फर्क हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो आसानी से अब एवरेज हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं कॉपी करके जो है वो गो कर देता हूँ। उसके बाद वो कबाब शामी है कुछ, तो हमारे पास जो है वो ओवरऑल एवरेज आ गया इस कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5000। अब हमारे पास जो ओवरऑल डाटा बन रहा है तो उसके अंदर जो है हमारे पास एवरेज आ गया 5000, सही, 5000 हमारे पास इसका एवरेज बन गया। रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, चपातियों की आवाज़ें जा रही हैं बच्चों को। अच्छा खैर, यहाँ पर जो है एवरेज हमारा जो है वो एवरेज आ गया, ठीक है, क्लियर है ना, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी सही तरीके से, यहाँ तक सब है सही है। अच्छा अच्छा सही है, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, प्लीज़ इसको जो है वो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास एवरेज जो है वो एवरेज आ गई, ठीक है। एवरेज का हमने जो पहला एग्रीगेट फंक्शन, आपके लिए आसानी ही होगी कि आप से गलती नहीं होगी, आप सेंटेक्स को अगर लिख लेंगे, ठीक है,
और सेंटेक्स को भी मैं एक काम ये करूँगा क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है इसके मुताबिक है और मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको सेंड करूँगा अभी, तो इसके साथ साथ जो मैं क्यूरी अप्लाई करवा रहा हूँ तो ये मैं आपको क्यूरी दे दूँगा। फिर इसमें आपने एक काम करना है कि इसी का असाइनमेंट आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप जो है वो इसके अंदर फर्दर मोर थोड़ी बहुत चेंजेस करके, कॉलम नेम चेंजेस करके जो है आसानी से इसी क्यूरी को इम्प्लीमेंट करके जो है वो असाइनमेंट के तौर पर सबमिट भी करवा सकेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आज। और बाकी जो प्रीवियस असाइनमेंट है उसके अंदर जो हमने रिलेशनल डेटाबेस बनाया है, तो रिलेशनल डेटाबेस और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने जो मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाई हैं लेक्चर के अंदर, तो उन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेकंड लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बनाना है डेटाबेस और रिलेशनशिप। और पहला जो लेक्चर था, पहले लेक्चर के अंदर जो है वो मैंने चैप्टर के इंट्रोडक्शंस थे उनकी जो समरीज थी, समरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैंने आपको पहला असाइनमेंट दिया था। तो पहला असाइनमेंट भी आपको समझ में आ गया, दूसरा असाइनमेंट भी आपको समझ में आ गया, और तीसरा असाइनमेंट जो है वो तकरीबन थोड़ा बहुत यहाँ पर हो रहा है रेडी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास बुक के अंदर एग्रीगेट फंक्शन है, सही है, एवरेज आसान है, मुश्किल नहीं होता, तो इसको अप्लाई कर देंगे बिटवाइज। और बिटवाइज के अंदर जो बाय डिफॉल्ट दोनों अगर नंबर हैं तो आपके पास वन आ जाएगा, ठीक है, आसान है, इसको अप्लाई कर लीजिएगा। काउंट हमारा यूज़ होता है काउंटिंग करवाने के लिए, अब हम हमारे स्टूडेंट टोटल कितने प्रेजेंट हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम काउंट करवा लेंगे, और वेयर उसका स्टेटस भी जो वो प्रेजेंट होना चाहिए, या हम ये कर लेंगे कि वेयर जिसने फीस पेड कर दी है उसको काउंट करके बता दो वो कितने स्टूडेंट है, सही है। तो इस तरीके से भी हम ये यूज़ हो, ठीक है, और एडमिन पैनल के अंदर यूज़ होगा, तो एडमिन पैनल के अंदर जब हम समरीज बनाना चाहेंगे तो वहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करवाता हूँ, कहाँ करवा रहे थे, यहाँ करवा रहे थे, तो सिंगल लाइन मैंने कमेंट कर दी और यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को जो है मैंने अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर जो है वो मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट काउंट। काउंट हमें क्या करवाना है, कौन सा प्रोग्राम है, सही है। अब अगर हमें काउंट करवाना है फीस का स्टेटस, स्टूडेंट फीस स्टेटस, तो यहाँ पर हम कॉलम का नेम लिख देंगे स्टेटस, और उसके डाटा को मैं एक दफ़ा जो है मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर जो है वो डाटा में है पेड, और इसको हम कर दे पेड है तो कोई मसला नहीं है, पता चल जाएगा कि टोटल काउंट बता देगा दो बंदों की फीस क्या है पेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फ्रॉम टेबल, टेबल हमारा जो है वो टेबल नेम है फी, और फी को अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, सही, पहले वाले में इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट करता क्योंकि कॉलम और टेबल नेम जो है सिमिलर हो रहा था, अब यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक कॉलम ही, सॉरी टेबल ही है, ठीक है, फी के नाम से। अच्छा, और यहाँ पर आ जाएगा फिर हमारे पास टेबल नेम, ठीक है, और वेयर स्टेटस, वेयर डबल फी अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल टू क्या है पेड, आई डी पेड, सही है। अब जिसके पास ये स्टेटस है उस इस पर जो है टोटल काउंट करके बता दे कि भाई कि कितनों की जो है वो फीस पेड हो रही है। अब यहाँ पर हमारी जो है वो दोनों परफॉर्म हो गए हैं, यहाँ पर दो स्टूडेंट क्योंकि दो ही हैं रिजल्ट और दोनों की पेड है, तो लिहाजा उसने बता दिया कि भाई दो स्टूडेंट की जो फीस है वो क्या है पेड है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एग्रीगेट फंक्शन हो गया, और इसके साथ साथ जो है वो फिर हम यहाँ पर मैं कर देता हूँ इनको कमेंट करता जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट जो वो प्रिंट होते जाएंगे तो फिर वो मसला करता जाएगा, ठीक है। अब हम अपने तीसरे एग्रीगेट फंक्शन को देख लेते हैं, हमने अभी तक जो है वो एवरेज देखा, सही, अकाउंट देखा जो कि मोस्ट यूजेबल है, और मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर जो वो इसका यूज़ करके भी दिखा रहा हूँ हाथ के आते, ताकि और फिर ये यूज़ भी होंगे हमारे इसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें क्यूरी लिखनी नहीं पड़ेगी और हमें हमारे लिए आसानी हो जाएगी।
उसी तरीके से जो है वो मैं रिज़ल्ट भी मालूम कर सकता हूँ कि भाई जो पास हैं उनको काउंट करके बता दो कितने स्टूडेंट पास हैं और कितने स्टूडेंट जो हैं वो फेल हैं, तो ये तमाम चीज़ जो है वो हम देख सकते हैं। अच्छा, हम डिस्टिंग होता है डुप्लीकेशन, आई थिंक सो रिपीटेशन नहीं होता, मैचिंग वैल्यूज जो होती हैं वो उसको काउंट नहीं करता, डिस्टिंग जो है वो हटा देता है इसका। तो डिस्टिंग को हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो यूज़ हुआ है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंग, बेसिक सैलरी उनकी हटा दो और किन की हटा दो जिनकी डुप्लीकेट हो रही है। तो अब यहाँ पर हमारा जो पेड है ना, पेड दो मरतबा है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये डिस्टिंग जो है सही काम करेगा या नहीं करेगा। इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम ले लेते हैं, स्ट्रक्चर सही रहेगा तो वापसी हम अपने स्ट्रक्चर में चलते हैं यहाँ पर, और स्ट्रक्चर को जो है हम कर देते हैं कमेंट। और इसको अप्लाई करवाते हैं, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंग। हाँ जी सर, स्टेटस देख लें, मैं कर दूंगा ना, अभी तो मैं लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ। और सलान आए, जिबनान आए, मोहिन आए, फसी है, फसी नहीं आए, और का कबीर, कबीर नहीं आए, यूसुफ, यूसुफ नहीं आए, अदील, अदील भी नहीं आया, शेख फहद, शेख फहद भी नहीं है, बस ठीक है, मैंने वही रिटर्न मार्क कर लिया, और बाकी ही सब हैं। ठीक है, आपके पास समी है, शाहिद है, सद्दाम है जी, मुइज़ है जी, हसनैन है, जिब्रान और सान मुगल है जी, बाकी सब एब्सेंट लगा दूँ इनकी, असाइनमेंट देंगे, 12:30 हो रहे हैं, फिर मुझे आप अपडेट कैसे करेंगे, आप मुझे अभी तक ग्रुप में भी ऐड नहीं करा ना, ईमेल एड्रेस दे देना, आप आपको ईमेल पे कर दूंगा, करा था मैंने, हमारे पास जो है ना वो बहुत ही अलग फोन है, चोर भी लेते हुए शर्मा है। ठीक है सर, आप मुझे रीमेल कर देना, उसकी रिप्लाई कर दीजिएगा ना वही वाले, मैंने मैसेज तो किया आपको ईमेल का, हाँ मैं रिप्लाई के अंदर जो आपको स्क्रीन शॉट भेज दूँगा, सही है, ठीक है सर, ठीक है, मैं तो एड्रेस बना दूँ, तभी मार्क होगी, अब यही समझिएगा कि सर ने यहाँ पर मार्क कर दी तो अटेंडेंस मार्क होगी, पोर्टल पे तभी हम मार्क करेंगे जब असाइनमेंट आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ 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 असाइनमेंट भेजेंगे, क्योंकि मुझे स्टेटस अपडेट करवाना होगा, असाइनमेंट भी बताने होंगे, और नेक्स्ट मंथ जो है वो फिर हमारा ऑडिट है, तो ऑडिट में ईमेल्स भी आप मुझे प्रॉपरली अभी इसी टाइम पर करेंगे तो मैं दिखा सकूंगा आगे कि भाई आपकी जो मुझे ईमेल आई थी तो मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि मुझे कोई मसला नहीं हो जाए आगे ना, आप लोग वक्त के ऊपर जो है वो असाइनमेंट बना के भेज दीजिएगा। ठीक है भाई, इसी की प्रैक्टिस कर लो ना, रिलेशनल डेटाबेस मैंने जो वीडियो में बनाया इसी को फॉलो करते हुए जो है वो आप बना के भेज दो रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, बस मैं रिलेशन चेक करूँगा कि भाई आपने जो है वो तमाम चीज़ें रिलेशन सही बनाए, कॉन्सेप्चुअल हैं सारी चीज़ें सही हैं, इसमें डाटा सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, मैं ये चेक करूँगा बस। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है वो करना है, हाथ के हाथ करेंगे तो हर क्लास का असाइनमेंट बनाकर भेजेंगे तो एंड में मसले नहीं होंगे आपको। ठीक है, तो प्लीज़ हाथ के हाथ जो है वो बनाकर भेजें असाइनमेंट आप लोग। अच्छा, अब मैं जो है वो लास्ट करवा दूँ क्योंकि जुम्मा भी है आज, तो हाँ मोइस क्या पूछना चाह रहे हैं? PHP का जैन की वेबसाइट है ना, XAMPP गूगल करेंगे तो ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा जैन को। विंडो 8 में जो है वो आपका 5.6 चलेगा वर्जन, 5.6 आपको जो है वो दूसरी वेबसाइट से मिल जाएगा, 5.6 डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल कर लो, वो चल जाएगा। और चलो अच्छा, मैं भेज दूंगा, और पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन भी कर लीजिएगा, अगर .NET है तो स्टार्ट नहीं होगा सर्वर, सही, ठीक। अच्छा, अब हम लास्ट एक ये कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लगा देते हैं डिस्टिंग, DISTINCT डिस्टिंग, सही है, और डिस्टिंग जो है वो हमारा किसके ऊपर लगे भाई, फी अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टेटस, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो डुप्लीकेट है, पेड है,
सो ये पी अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है, वर्षा है फ्रॉम टेबल, कौन सा टेबल है हमारा, हमारा जो है टेबल फी का है, ठीक है, और हम इसको जो है वो अप्लाई करते हैं, और बाकी सब कमेंट तो हमारे पास अभी एक रिजल्ट आना चाहिए। तो मेरे पास जो है वो उसने बता दिया कि एक मरतबा जो है वो क्या हो रहा है अकाउंट के अंदर आ रहा है, और ये जो है वो दो मरतबा जो है वो कॉल हो रहा है, सही है। तो अब ये जो है वो हमें क्या देता है, वन या ज़ीरो देता है अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है वो वन दे रहा है, और अगर नहीं होता तो फिर हमारे पास ज़ीरो आ जाता, और उससे ज़्यादा होते तो फिर हमारे पास तब भी वन आता, ठीक है। इस तरीके से जो वो ये बिहेव करेगा, यहाँ तक जो है वो मैंने तीसरा आपको एग्रीगेट फंक्शन जो करवा दिया। अब आगे जो है वो आपने मैं आगे से करवाऊँगा, यहाँ से ग्रुप कॉन्कैटिनेट फंक्शन, ठीक है, और पेज हमारा होगा 285। तो अगली क्लास में मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, आज मैं यहाँ तक ही स्टॉप करता हूँ लेक्चर को, ठीक है। अब प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी, सही है, और प्रैक्टिस के बाद जो है फिर आपने असाइनमेंट बच्चों को मुझे डिलीवर करके भेजना है। यहाँ तक मैं वीडियो को स्टॉप करने जा रहा हूँ, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक।